हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। तो ये मेरा गोल्डन डस्ट क्रोटन का प्लांट है जिसकी आज मैं हार्ट प्रूनिंग करने जा रही हूँ, तो आपके साथ शेयर करूँगी। इसका शॉर्ट्स जो है मैंने आपके साथ पहले भी अपलोड किया था। तो ये शेमी शेड प्लांट है। इसको आपने देखा होगा कि कई बार ये पार्कों में भी लगा होता है, लेकिन क्या होता है, इसको फुल डे सनलाइट देने से इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ये ग्रीन की बजाय येलो हो जाती हैं। तो इसको सुबह की से 2 से 3 घंटे की धूप लगाई जाती है, तो जो इसका जो ग्रीन और येलो कलर जो है वो भी काफ़ी अच्छे से आता है। तो इसकी प्रूनिंग करने के लिए पहले मैं जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को लेके इसको ब्लेड को साफ़ कर लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो डिटॉल का यूज़ कर सकते हैं, और अगर डिटॉल भी नहीं है तो इस तरह से जो आजकल तो हर किसी के घर में हैंड सैनिटाइजर आता ही है, रहता ही है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। अगर ये सब कुछ भी ना हो तो बस गैस जलाइए और आग पे इसको 2 से 3 सेकंड के लिए ब्लेड को दिखाइए, और उसके बाद अपना प्रूनर तैयार है प्रून करने के लिए। तो चलिए इसकी कटिंग करती हूँ। इसको मैं हाफ से भी नीचे इसकी कट करूँगी क्योंकि मैं इसको बोनसाई शेप में देने की सोच रही हूँ। तो अगर इसके देखते हैं, इसको वैसे काफ़ी टाइम लगता है बोनसाई में, इसके किसी भी प्लांट के बोनसाई में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको आज शुरू करती हूँ आज से। तो इसको मैं बिल्कुल हाफ से नीचे कट कर दूंगी, और जो भी इतनी मोटी मोटी ब्रांचेस हैं उसको सब हटा दूंगी ताकि न्यू ग्रोथ जो हो वो अच्छी हो। तो चलिए इसको प्रून करते हैं। तो इसको मैंने आधे से भी नीचे तक कट कर दिया है। ये काफ़ी लंबा प्लांट था मेरा, 4 फीट के करीब का प्लांट था ये। तो इसको मैंने पूरा प्रून कर दिया है, और अब इसकी मैं कुछ जो कटिंग्स भी लगाऊंगी, और जो पत्तियाँ वगैरह निकली हुई हैं इन पत्तियों को मैं कंपोस्ट के लिए रख दूंगी। तो कंपोस्ट के लिए अलग से कुछ मेरे पास है जुगाड़ तो नहीं है, बस वो जो गमले वगैरह होते हैं तो इनकी पत्तियाँ मैं उसी में रख देती हूँ, अपना उसी में सूखती रहती हैं, और इसका मल्चिंग का भी काम करती है, और साथ के साथ ये इसमें ही डिकम्पोज हो जाती है तो सही रहता है। और इस तरह से मैं इसे कटिंग लगाने जा रही हूँ। कटिंग लगाने के लिए जो ऊपर की जो पतली वाली टिप होती है उसी को लेती हूँ मैं। 5 से 6 इंच लंबी इसकी टिप ले लीजिए, और करीब 1 से 1.5 इंच इसको मिट्टी के अंदर दबाना होता है। तो मैंने 3 कटिंग लगा चुकी हूँ मैं इसमें, सेम गमले में ही लगाई है। और ये देखिए इतना कम से कम 1 से 1.5 इंच का जो हमारा है इसको हमें मिट्टी के अंदर दबाना होता है ताकि जो इसकी रूटिंग हो वो अच्छी से हो जाए। तो इस तरह से, और इसको सेमी इसको छाया में ही रखना है, धूप में रखेंगे तो हमारी ये कटिंग जो भी है वो सारी ख़राब हो जाएगी। और इसमें पानी का जो है तो 1 दिन छोड़ के इसको मैं पानी देंगे, ज़्यादा पानी देंगे तो ये गल जाएगा। और इस तरह की जो मोटी हार्ड जो इसकी कटिंग होती है तो वो इस टाइम का मुझे नहीं मालूम लगेगी कि नहीं लगेगी, मैंने इस टाइम कभी ट्राई नहीं किया है। हाँ, बरसात के मौसम में मोटी वाली जो कटिंग होती है वो लग जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।